हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे ऐतिहासिक शहरों में गिने जाने वाले मथुरा शहर के बारे में, जिसे द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान भी माना जाता है। यमुना नदी के किनारे पर हिमालय पर्वत और विंध्याचल पहाड़ियों के बीचों बीच बसा मथुरा शहर श्री कृष्ण की जन्मस्थली के साथ साथ ये जैन और बौद्ध धर्मावलंबियों का भी एक प्रमुख तीर्थ स्थान है, जिसे पौराणिक साहित्य में भी सूरसेन नगरी, मधुपुरी, मथुरा और मधुनगरी कहकर भी संबोधित किया जाता था। देश की राजधानी दिल्ली से 182 किलोमीटर और प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 395 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के किनारे पर स्थित मथुरा शहर के चारों ओर भगवान शिव के मंदिर मौजूद हैं, जिनमें पूर्व में पिपलेश्वर, दक्षिण में रंगेश्वर, उत्तर में गोकर्णेश्वर और पश्चिम में भूतेश्वर महादेव मंदिर आता है। और कुछ यही कारण है कि भगवान शिव को मथुरा का कोतवाल भी कहते हैं। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव का ताज लिए मथुरा शहर को भारत के सप्तपुरी शहरों की सूची में भी गिना जाता है, जहां पर वर्तमान समय में मौजूद इसके चारों हजार मंदिरें हैं और घाटें इसकी पौराणिकता की गवाही देते हैं। इस शहर में केवल भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों पर्यटक सालों भर यहाँ पर घूमने और यहाँ की संस्कृति को जानने आते हैं, क्योंकि यह वही जगह है जहाँ के गोकुल गांव में भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था और अभी भी यहाँ की मिट्टी में लोग लोटपोट होते हैं। मथुरा शहर के बारे में चीनी यात्री फाययान ने भी अपने किताब में इसे मतावला नाम से संबोधित किया है। जब सन 402 ईस्वी में फाययान भारत पहुंचा तो उन्होंने यहाँ पर करीब 3000 विहारों को देखा जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और उन्होंने इसके बारे में लिखा कि इस देश का निवासी ना कोई हत्या करता है, ना मद्यपान करता है, ना ही लहसुन प्याज का सेवन करता है। इसके बाद भी 603 ईस्वी में फिर से एक चीनी यात्री हेनसांग ने भी अपने यात्रा विवरण में मथुरा को मोटोलो नाम से संबोधित किया है। साथ ही उन्होंने भी यहाँ की सभ्यता, साहित्य और दर्शन कला को भी कई पुस्तकों में प्रस्तुत करा है। यह तो बात हुई मथुरा शहर के विशेषता की, तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं मथुरा शहर तक कैसे पहुँचा जा सकता है। तो अगर आप ट्रेन के माध्यम से यहाँ पर आना चाहते हैं तो इस शहर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन और मथुरा कैंट रेलवे स्टेशन है, जो सिटी सेंटर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप दूर किसी शहर से यहाँ पर आ रहे हैं तो आप यहाँ के और भी अन्य रेलवे जंक्शन में आगरा कैंट 50 किलोमीटर, दिल्ली का आनंद विहार टर्मिनल 150 किलोमीटर या फिर अलीगढ़ रेलवे स्टेशन जो यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ तक पहुँच कर आप ट्रेन या फिर बस की सहायता से इस शहर तक पहुँच सकते हैं। अगर आप बाय रोड यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप सभी को बता दें कि मथुरा शहर से नेशनल हाईवे 2 और नेशनल हाईवे 19 की सड़कें गुजरती है। साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे भी इसी शहर से होकर पास होती है, जो यहाँ के रास्तों को और भी सुगम बनाता है। हवाई मार्गों की सुविधा के लिए इस शहर के पास इसका कोई अपना हवाई अड्डा नहीं है। इस शहर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट आगरा में स्थित है, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर दूर है, जबकि दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से 165 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तो आइए अब जानते हैं मथुरा शहर में पहुँच कर आप यहाँ के किन किन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ के वृंदावन के प्रेम मंदिर को घूमने जा सकते हैं, जो मथुरा शहर से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ब्रजभूमि में मौजूद इस मंदिर को सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम के 8:30 बजे तक भक्तों के लिए खोला जाता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी विराजमान है। इस पर्यटन स्थल के अलावा भी मथुरा शहर में आप यहाँ के श्री कृष्ण जन्म स्थान, द्वारिकाधीश मंदिर, विश्राम घाट, श्री रमन विहारी मंदिर गोकुल, दाऊजी महाराज टेम्पल, भूतेश्वर महादेव मंदिर, श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर, पौत्र कुंड, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, कुसुम सरोवर, कंस किला, तिलक द्वार, डीग पैलेस, वृंदावन इस्कॉन टेम्पल, राधा कुंड और गोवर्धन पहाड़ी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा का भी आनंद उठा सकते हैं। और अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो मथुरा पहुंचकर आप यहाँ के स्वादिष्ट पेड़े, कचौड़ी, जलेबी, ठंडई, माखन मिश्री, लस्सी, आलू की कचौड़ी और दही रबड़ी को भी खाने में एंजॉय कर सकते हैं। तो फिलहाल मथुरा शहर की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद चंदन।